So hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS, number one platform for the preparation of your GS paper 2 or you can say that CSAT. तो स्टूडेंट्स आज है हमारा 7th लेक्चर किसका, माइक्रो लेक्चर। जैसे माइक्रो लेक्चर इफेक्टिव वैसे ही हमारे उससे ज्यादा बल्कि वो माइक्रो कोर्स इफेक्टिव। माइक्रो कोर्स एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे वो पीडीएफ्स हो, चाहे वो आपके वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस हो, डिटेल सोल्यूशंस हो और सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। बिकॉज एक एग्जाम की तैयारी के लिए हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो अभिमन्यु आईएएस ने ऑलरेडी पोर्टल पे कर रखी है, वीडियो सोल्यूशंस किसके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो भी ऑलरेडी है। नंबर 3 पीडीएफ क्वेश्चन की, वो भी है। नंबर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो सारी चीजें अवेलेबल है, प्लीज जुड़िए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो मैं अगर एजिस की बात करूं, एजिस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत है क्योंकि कई बारी हम उलझ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक्स एंड वाई दो पर्सन है, एक्स और वाई मेरे पास दो पर्सन है, क्लियर। मैं बात करता हूं, एक्स मेरे पास 10 ईयर का है और वाई मेरे पास 20 ईयर्स का है, क्लियर क्लियर। ये एक 10 साल का है बच्चा, एक 12 से 20 साल का है। मैं अगर बात करूं आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एक्स की एज क्या होगी, 20 ईयर और वाई की एज क्या होगी, ये भी 10 ईयर यानी कितना, 30 ईयर। सो कैन यू जस्ट टेल मी क्या चीज नहीं बदली, एक्स भी बड़ा हो गया 10 साल, वाई भी बड़ा हो गया 10 साल, बट द थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एज, यू कैन से दैट। तो जो कॉन्स्टेंट रहती है ना, हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू जो रहती है ना, दैट इज डिफरेंस ऑफ एज। वो चाहे आप रेशो की बात कर लो कि जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि मेरे पास क्या दिया है कि एक्स और वाई की एज इतनी है, इस अनुपात में 10 साल बाद इतनी हो जाती है, तो उस केस में आपने क्या करना, उस केस में आपने हमेशा इनकी एज का डिफरेंस कॉन्स्टेंट कर लेना है। सपोज करो 2:5 था और एक में 2:3, सपोज करो कि एग्जाम्पल लेता हूँ 2:5 था, एक 2 मेरे पास ले लो, लगा लो आप, या 2 नहीं, आप इसको लगा लो 3:4। देखो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना, 3, यहाँ पे कितना, 1, तो इस 1 को भी 3 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए चलते हैं, देखते हैं एजिस का किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये था यूपीएससी सीसेट 2015 का क्वेश्चन आपका, क्लियर। देखिए क्वेश्चन इज, अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर्स इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र से कितने गुना बड़े हैं, 9 टाइम्स, और माताजी 8 टाइम्स। द सम ऑफ फादर्स एंड द मदर्स एज इज 51 ईयर्स। तो माता पिताजी की एज का मुझे योग 51 साल दी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें उसका कॉन्सेप्ट का शायद यूज नहीं हो रहा। देखो मैं पहले बात करता हूँ सन एंड फादर। अगर सन मेरे पास एक्स का है तो 9, सिंपल, कई बार वेरिएबल लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट मुझे क्या करें, और मदर और सन की कितनी, 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर प्लस फादर इज हाउ मच, 51 ईयर, तो 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 51, 17x इज इक्वल टू 51, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये तो मुझे बताना था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। देखो मैं आपको सिर्फ इन क्वेश्चन से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग उन क्वेश्चन के पीछे मत भागो जो मोर देन डिफिकल्ट है, अनअप्रोचेबल क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन घूम रहे हैं, सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो रेलेवेंट ही नहीं है। तो बेसिक्स क्या करना चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल हो, ये सारे के सारे करने हैं, क्लियर। जैसे माइक्रो कोर्सेज में करवाया गया वैसे ही मैंने करवाया। अब देखिए जरा माइक्रो कोर्सेज क्यों यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो वहां पर फुल कोर्स का लिंक भी है। देखिए छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, दैट इज अवर माइक्रो कोर्स, क्लियर। तो सिविल सर्विसेज सीसेट, क्लियर। यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज हैं, यहाँ पे अभी पीडीए कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज सीसेट, क्लियर क्लियर। अवेल फ्री माइक्रो कोर्स, यहाँ पे देखो सारे एनिमेशन सब कुछ बताया गया है, क्लियर। जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की पहले मैं बात करता हूँ, यानी आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्लियर। देखो क्या मेरे पास सबसे पहले नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं, मुझे सबसे पहले ये देखना प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आए हुए। देखो 2023 में जब आप जुड़ेंगे पोर्टल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, 2023 में 17 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन, 21 में 9 क्वेश्चन, 20 में 15 क्वेश्चन, 19 में 7 क्वेश्चन, 18 में 6, 17 में 5, 16 में 3 और 15 में 1। तो बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके क्वेश्चन हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन का डेटा सिर्फ और सिर्फ 80 में से मेरे पास नंबर सिस्टम से आ रहा है। वट वी आर गेटिंग नंबर सिस्टम एंड फॉर हाउ मच रुपीज वी हैव टू पे। ऑलमोस्ट 11 लेक्चर्स हैं, 9 वेब नोट्स हैं, 440 क्वेश्चन है। क्लियर हमारे पास। यहाँ पे क्या देखो, इन 11 लेक्चर्स में थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट है मेरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सर, बट इसके अंदर मेरे पास 2023 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। क्लियर। तो प्रीवियस ईयर पूरी एनालिसिस है। यहाँ पे 9 वेब नोट्स दिए मुझे, 440 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सिर्फ कितने के, सिर्फ 352 रुपीज के 365 डेज के लिए, आपके पूरे साल के लिए। बट मुझे तो अभी क्लियर कर लेना कितने लेक्चर्स हैं, 11-12 लेक्चर देखने में कितने दिन लगेंगे, हार्डली 2 से 3-4 दिन खत्म, 3-4 दिन में CSAT का नंबर सिस्टम खत्म। क्लियर। इसी तरीके से देखो आप कोई भी चैप्टर कीजिए, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सेकंड जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक बना वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 7 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, उसे पिछली बार 6, फिर 3, तो 7, 3, 10, 3, 6, 16। तो पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूं तो तकरीबन 15+ क्वेश्चन आए आपके पास, 5 क्वेश्चन पर ये। आई बटन पर क्लिक करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से पूरी लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी देखने को मिलेगी मुझे। ठीक है कि किस तरीके से आई बटन पे क्लिक करो पता चलेगा कौन से साल में कितने क्वेश्चन आए हुए। तो यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट और मुझे डेफिनेटली करने चाहिए। जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, देखने को लगता है हाँ रीडिंग तो करनी है, कर लेंगे। बट देखना जरा 2023 में 26 क्वेश्चन, 22 में 27 क्वेश्चन, 21 में 27 क्वेश्चन, तो 25, 26, 27 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। छोड़ोगे तो फिर मूर्खता भरा निर्णय हो सकता है आपके लिए। क्लियर। और एंटोनिम सिनोनिम, ये कितने रुपए का देखो, पूरा का पूरा बंडल 423 रुपए का सिर्फ, जिसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम मिल रहे हैं और आपके प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं सो दैट वी कैन कॉल यू और व्हाट्सएप यू। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी 2022-23 की सिलेक्शन थी। मिसेस फर्स्ट ने कितना रैंक लिया था, 2023 में 51 रैंक, अर्णव का 56, जतिन 90 में, दिव्य 105, सृष्टि 138। क्लियर। और इसी तरीके से क्या था, इन बच्चों ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ क्यों अभिमन्यु IAS नंबर 1 है लास्ट 25 साल 2200+ सिलेक्शन के साथ। क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे लिंक आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।